हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास प्लस टू फिजिक्स उसमें जो यूनिट एट है एटॉमिक न्यूक्लियस, उसका चैप्टर है फोर्थ न्यूक्लियर रिएक्शन। उसमें आज हम एक टॉपिक है जिसका नेम है क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ अ क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन? इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन सम ऑफ द मासेज ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, मीन्स के हम जो हमारे पास हम रिएक्टेंट्स लेते हैं रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में एक हमारे पास एक्स है एंड जो बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है उसको हमने पी के साथ ही नोट किया, मे बी ग्रेटर और लेस देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस वाई एंड द आउटगोइंग पार्टिकल ओ। मीन्स के क्या है कि हमने हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स में हम ले रहे हैं जो टारगेट ले रहे हैं, जो टारगेट एटम है वो है एक्स एंड जो बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है वो है पी, और हमारे पास प्रोडक्ट में जो बनते हैं वो है वाई और ये आउटगोइंग पार्टिकल। ये वाई हमारा जो प्रोडक्ट मेन बनती है और जो पार्टिकल आउटगोइंग होता है उसको हम ओ के साथ डिनोट करते हैं। तो जो इनका रिएक्टेंट का सम होता है और जो प्रोडक्ट का सम है वो लेस देन और ग्रेटर देन हो सकता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हमारे पास जो रिएक्शन आता है वो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो कहता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स का सम हम मास लेके चल रहे हैं उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट का भी मास आता है, मीन्स के दोनों इक्वल ही होते हैं और कोई भी मास हमारा कहीं पे लॉस नहीं होता। जो रिएक्टेंट्स जितना रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही प्रोडक्ट के पास आता है। ओके, सो एक्स प्लस पी जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं एंड ये हमारा टारगेट पार्टिकल है एंड पी इज़ अ बम्बार्डिंग पार्टिकल और जो वाई हमारे पास प्रोडक्ट बनता है और ओ इज़ अ आउटगोइंग प्रोडक्ट, इन दोनों का मास लेस देन और ग्रेटर देन हो सकता है। सो हमारे पास यहाँ पे हम एक ऐड करते हैं यहाँ पे वैल्यू जिसको हम क्या कहते हैं क्यू वैल्यू, ये हमारी इस इन दोनों को इक्वल कर देती है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे हम Q ऐड कर देते हैं, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास कम है रिएक्टेंट्स की वैल्यू कम है तो Q को हम माइनस कर देंगे। ओके, सो वेयर Q इज अ कॉल्ड Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, सो इफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड द आउटगोइंग पार्टिकल इज लेस देन द मास ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस एंड बम्बार्डिंग पार्टिकल, देन Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन विल बी पॉजिटिव एंड कॉल्ड द रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स के अगर हमारे पास क्यू की अगर ये हमारे इधर हमारे पास रिएक्टेंट्स की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास कम आ रही है तो हम उसमें क्यू वैल्यू को क्या करेंगे ऐड करेंगे दोनों को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को लॉ ऑफ मास ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए क्यू को ऐड कर देंगे। सो जो हमारा क्यू है यहाँ पे उसमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर हमारे पास क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन को हम नेम देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो एंड वाइस वर्सा कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की वैल्यू कम होगी और प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे क्यू की वैल्यू माइनस हो जाएगी, इट मीन्स उस केस में हमारे पास एक्स क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारे पास क्यू वैल्यू थी रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन में जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। सो उसके बेस पे हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए और मेरी ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।